जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके मन में पहला सवाल आता है कि कहीं उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे तो नहीं है। जब किसी महिला के प्रेगनेंसी के दौरान जुड़वा बच्चे होते हैं तो खुशियां भी दोगुनी हो जाती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जुड़वा बच्चों वाली गर्भवती को खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि उसकी हर चीज डबल हो जाती है, चाहे वो खाना पीना हो या एक्स्ट्रा केयर। जुड़वा गर्भधारण सामान्य गर्भधारण से काफी अलग है। जुड़वा गर्भधारण में समय से पहले डिलीवरी और जन्म के समय बच्चे के वजन कम होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि जुड़वा बच्चों की गर्भवती के शुरुआती लक्षण क्या क्या हैं। सबसे पहले है मॉर्निंग सिकनेस। जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती महिला के प्रारंभिक लक्षण में मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा होती है। 50% से अधिक महिलाएं अपनी गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में ही मतली और जी मचलने का अनुभव शुरू कर देती हैं। वो महिला जिनके जुड़वा बच्चे होने वाले हैं अन्य गर्भवती महिलाओं की तुलना में मॉर्निंग सिकनेस का अनुभव ज्यादा करती हैं। उसके बाद ब्लीडिंग और स्पॉटिंग। एक महिला जो जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती है उसको स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर आप गुलाबी और भूरे रंग के धब्बे नोटिस करती हैं तो यह अत्यंत सामान्य बात है। यदि आपको ब्लीडिंग हो रही है और साथ में बुखार और लाल खून के धब्बे नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद है वजन। जुड़वा गर्भावस्था में वजन सामान्य गर्भावस्था की तुलना में ज्यादा होता है, क्योंकि आपके दो बच्चे, दो प्लासेंटा और ज्यादा एमनियोटिक द्रव के साथ होते हैं। एक एवरेज गर्भावस्था में सामान्य वजन 25 पाउंड होता है, जबकि जुड़वा गर्भावस्था में ये 30 से 35 पाउंड के बीच हो सकता है। उसके बाद है माँ की उम्र। जुड़वा या ज्यादा बच्चा पैदा होने की संभावना बढ़ती उम्र के साथ बढ़ जाती है। वो महिलाएं जिनकी उम्र 35 या उससे ज्यादा है वो FSH हार्मोन को कम उम्र की महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में बना सकती हैं। ये हार्मोन अंडाशय ओवुलेशन के लिए अंडे को रिहा करने की अनुमति देता है, और जितना ज्यादा हार्मोन का लेवल होगा उतने ही अंडे ओवुलेशन के लिए निकलेंगे और फलस्वरूप उतनी ही मात्रा में भ्रूण का निर्माण होगा। उसके बाद अनुवांशिकता। अगर पति या पत्नी में से कोई स्वयं जुड़वा है या आपके परिवार में कोई जुड़वा है तो आपके भी यहाँ जुड़वा होने की संभावना रहती है। ये बात पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि अंडों का निर्माण आपके द्वारा होता है। अगर आप या आपकी माँ जुड़वा हैं तो जुड़वा बच्चे होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके बाद है दो दिल। बच्चे के दिल की धड़कन पहली बार सुनना हर माता पिता के लिए सबसे यादगार अनुभव होता है। बच्चे के जन्म से पहले आप डॉपलर प्रणाली के माध्यम से अपने बच्चे के दिल की धड़कन सुन सकते हैं। गर्भावस्था के 9वें सप्ताह से जुड़वा बच्चों की दिल की धड़कन अलग अलग सुनी जा सकती है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनकी पहचान को कभी कभी अलग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है जल्दी डिलीवरी और सिजेरियन। जुड़वा गर्भावस्था के साथ महिलाओं में समय से पहले डिलीवरी होने की संभावना ज्यादा होती है। लेबर पेन गर्भावस्था के 36वें या 37वें सप्ताह के बीच में हो सकते हैं। इसके अलावा जुड़वा गर्भावस्था में बच्चे ज्यादातर सेंट्रल पोजीशन में होते हैं, जिस कारण डिलीवरी नॉर्मल की जगह सीजेरियन होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। उसके बाद है गर्भाशय का आकार। अगर दिन प्रतिदिन गर्भवती महिला के गर्भाशय का आकार बढ़ता ही जा रहा है तो ये भी गर्भ में दो भ्रूण होना दर्शाता है। पेट के आकार को देख कर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। और अंतिम लक्षण है हमेशा भूख लगना। जुड़वा गर्भावस्था के लक्षणों में सबसे बड़ा लक्षण ये है कि आपको हमेशा भूख लगती रहेगी। जुड़वा गर्भावस्था में महिला को सामान्य गर्भवती महिला की तुलना में ज्यादा खाने की आवश्यकता महसूस होती है। यदि आप भी जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती हैं तो आपको भी लगातार ज्यादा भूख लगेगी। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार।